सबसे पहले हम एक कटोरी बेसन ले लेंगे और इसको छान लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम छान के करेंगे तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। ऐसे छान लेना है इसको। अब इसमें हम धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये देखो ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी कि टूटे ना। एक चुटकी में इसमें बेकिंग सोडा डाल रहा हूँ, मर्जी है आपकी। और इसमें एक छोटी चम्मच डाल रहा हूँ ऑयल। ऑयल से क्या होता है, हमारी जो बूंदी होती है बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और इसको मिक्स कर देंगे हम अच्छी तरह, और इसको हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। चलिए अपनी बूंदी के लिए जब तक हम 10 मिनट होते हैं उसको रेस्ट करने के लिए रखा हुआ है बैटर को, ऑयल गरम कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं कि गरम हुआ है या नहीं हुआ। ऑयल ऑयल बढ़िया गरम हो गया है, और ऑयल को हम ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, मीडियम गैस पे ही इसको हमने पकाना है, नहीं तो हमारी जो बूंदियाँ हैं वो जल जाएंगी। चलिए अब कड़छी ले लीजिए अपनी, और इस पे धीरे धीरे करके हमने डालना है। ये देखिए कितनी बढ़िया गोल गोल बूंदियाँ निकल रही हैं, मतलब कि हमारा बैटर सही है। अगर आपकी बूंदियाँ लंबी लंबी निकलें तो सोच लेना वो थोड़ा ज़्यादा टाइट है आपका बैटर, उसको थोड़ा सा और लूज़ कर लेना। तो हमारी बूंदियाँ जितनी कढ़ाई में आएंगी उतनी डाल लेना, एक कड़ची, दो कड़ची, ढाई कड़ची, और इनको वेट करते हैं, करेंगे हम पकने की। बूंदियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं क्रिस्पी। ये देखिए हमारी बूंदियों का कलर चेंज होने लग गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। दूसरा बैच डालने से पहले बूंदियों का हमें ये सारी बूंदियाँ अपनी निकाल लेनी है, नहीं तो ये हो जाएंगी ओवर कुक अगर आप थोड़ी सी भी इसमें छोड़ देंगे और दूसरी आप इसमें बनाने के लिए डालेंगे। ये देखो कितनी बढ़िया बूंदियाँ बनी हमारी। चलिए सारी बूंदियाँ निकाल ली हैं, अब दोबारा से सेम वही प्रोसेस करना है हमें। इसको भी हम मीडियम गैस पे ऐसे ही कर लेंगे, और ऐसे ही वन बाय वन जितनी आपने बूंदियाँ बनानी है अकॉर्डिंग आप उसके बना लीजिए। अब हम क्या करते हैं, साथ ही साथ चाशनी बना लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए आपको दिखा भी देता हूँ कितनी क्रिस्प बूंदी बनी है। ये देखिए इसका भी कलर चेंज होने लग गया है, इसको अब हम निकाल लेंगे। अब अपनी एक कढ़ाई या पैन या कुछ भी ले लीजिए, उसके अंदर एक कटोरी चीनी डाल दीजिए और आधा गिलास पानी, और इसकी हमें चाशनी बनानी है। मतलब इतना ही करना है कि बस ये घुल जाए चीनी जो हमारी है पानी के अंदर। इसको हिलाते रहिएगा, नहीं तो चीनी जल जाएगी, नीचे लग जाएगी और हमारी चाशनी अच्छी नहीं बनेगी, फिर हमारी चाशनी में जले जले की स्मेल आएगी। तो इसको हिलाते रहना। चाशनी के अंदर हम ये एक छोटी स्पून केवड़ा वाटर की डाल देंगे खुशबू के लिए, बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। और ये हमारी चाशनी हो गई है, मतलब ऐसा कर लेना जैसे हनी होता है, बस थोड़ा सा चिपचिप सा बस।
ज़्यादा कुछ नहीं, ये हमारी रेडी है चाशनी। और अगर आप कलर मिलाना चाहते हैं इसमें, जैसे बूंदी में होता है ऑरेंज कलर, मैं कलर नहीं डाल रहा हूँ, अगर आप मिलाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप कलर भी मिला सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चाशनी के अंदर अपनी सारी बूंदियों को डाल देंगे। वाह वाह क्या खुशबू आ रही है, मज़ा आ गया, केवड़े की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। और क्रिस्पी क्रिस्पी बूंदी बनी है हमारी। और अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह इसको चाशनी के साथ, ये अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और ये आपकी बूंदी रेडी है, आप इसको ऐसे ही बनाना, 3-4 घंटे बाद आप इसको निकाल लेना ऐसे ही अपने सर्विंग प्लेट में और खाना इसको। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये इजी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।